श्रीमती ज्योति राजेश धोड़ी नामक महिला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। ज्योति राजेश धोड़ी को आरोप है कि उनके पड़ोसी ने उनके परिवार पर 3 फर्जी छेड़खानी की FIR दर्ज कराई थी ताकि चाल के रूम का किराया नहीं देना पड़े। बता दें कि मुंबई के मलाड पश्चिम चिंचोली बंदर रोड पर किशन बाबू धोंडी चाल की कानूनी रूप से मालिक ज्योति राजेश धोड़ी का परिवार है। यहाँ कुल 40 रूम है, 17 लोगों का किराया लगभग पिछले 12 साल से बाकी है। इस बारे में जब ज्योति राजेश घोड़ी ने कानून नोटिस सबको भेजा तो भाग्यश्री, चेतन पटेल, प्राची राजा भाटकर एवं कुछ अन्य महिलाओं ने ज्योति राजेश घोड़ी की बेटी, बेटा एवं अन्य लोगों पर 3 फर्जी छेड़खानी की FIR मलाड पुलिस में दर्ज करा दिया, जबकि कोई ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं थी। यहां तक कि ज्योति राजेश घोड़ी का नल का पानी भी 3 माह तक बंद करवा दिया था। ज्योति राजेश घोड़ी की बेटी को उक्त लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर जातिवाचक गाली गलौज किया, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रेखा राजेश धोड़ी 2018 से चल रही है हमारी चौल है खुद की, तो जो टेनेंट्स है वो लोग ने हमारे ऊपर फेक केसेस किए 354 का, मतलब मेरे फैमिली में सब पे 354 का केसेस है। और यहाँ पे पानी के टॉपिक से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, तो दिंडोशी कोर्ट में वो केस चल रहा था जिसका हम लोग के फेवर में ऑर्डर आके भी पुलिस वालों ने वो रिस्ट्रेंट नहीं करने दिया था। और उसके बाद में वही पीरियड में मेरे मुझ पे केस बना है, मेरी बहन को मारा है वो लोग ने और एक बहन का फ़ोन तोड़ा है, और केसेस हम पे ही बनते जाते हैं और पुलिस वाले हमारे फेवर में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब 2.5 महीना पानी नहीं भरने दिया था बिकॉज ये जो चौल है हमारा है तो वो लोग रेंट नहीं देते हमको, तो वो रेंट का तो वैसे भी टॉपिक नहीं था, बट वो लोग को अलग लाइन चाहिए था पानी का, वो भी स्लम, मतलब वो लोग स्लम डिक्लेयर करना चाहते जो है नहीं, तो वो टॉपिक पे से वो लोग ने झगड़ा स्टार्ट किया था। मीनाक्षी नरेश धोड़ी, हाँ मेरे को मारा पीटा गया और मैं जब NC करने गई तो उन्होंने NC नहीं ली, बल्कि मुझे ये हाथ पे लगा था तब की मुझे आधा घंटा बाहर बिठा के रखा, बल्कि खून जा रहा था तब तक, और बाहर गाड़ी में वैन में ही बिठा के रखा था। मैं बोली उनको मुझे आगे लेके जाओ हॉस्पिटल, उन लोग नहीं लेके गए, जब तक किसका फ़ोन नहीं आया वो पता नहीं किसका फ़ोन था, फिर उन लोग लेके गए, फिर मुझे वहाँ पे भी धमकाया गया क्या ये तू झूठ बोल रही, तू झूठ बोल रही करके। कौन लोग मारे पीटे थे और क्यों मामला नहीं लिया गया आपका? ये मेरे गली के ही लोग थे जो उन्होंने मेरे पे किया था ऐसा। क्या नाम है वो? नाम पिंकी, भाग्यश्री, चेतन पटेल, प्राची राजा भाटकर और रीना, रीना वाणी। क्यों, लेकिन मारा पीटा क्यों गया? यही मतलब कोई भी हम लोग आते जाते गली में तो गाली गलौज करते है, अकेले कोई दिख गए तो मारा पीटा करते उन लोग। ज्योति राजेश धोड़ी। ज्योति जी आपकी यहाँ पे चाल है, कितने सालों से है, क्या नाम से है? अभी मेरी शादी को ही 31 साल हो गए, तब से तो मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे ससुर का पुराना ये चाल है और हम लोगों का यहाँ का भाड़ा वाड़ा टेनेंट लोग देते नहीं है, तो 2 साल पहले इन लोगों को नोटिस दिया था भाड़ा के लिए, तो भाड़ा के लिए नोटिस दिया तो इन्होंने क्या किया, रिप्लाई तो दिया ही नहीं उसका, पर मेरे बच्चे लोगों को झूठे केस में 354 के केस में जैसे खुद ही धक्का मारते हैं और खुद ही पुलिस स्टेशन में जाके बोलते हैं इन्होंने हमको धक्का मारा, पुलिस वाले कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते और FIR दर्ज कर लेते हैं। ऐसे आपके परिवार पे अलग अलग कितने 354 के केस दर्ज? 354 बने हुए हैं। और आपके बच्चों को मारा जाता है तो आप शिकायत करने जाती है, नहीं दर्ज होता है? हाँ, तो जैसे अभी मीनाक्षी धोड़ी करके वो जो लड़की है उसका हाथ काटा गया है, जब भी हम लोग शिकायत करने गए थे तभी